हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरिंदर। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पलटेंगे पर्सनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सिविल थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आपका सिविल थर्ड सेमेस्टर का ओवरऑल पूर्णांक कितना होगा और किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स जुड़ेंगे उस पूर्णांक में, यानी किस सब्जेक्ट का उस पूर्णांक में कितना ज़्यादा महत्व रहेगा। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि कौन सा आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कौन सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट आपकी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सब्जेक्ट लिखे हुए हैं सिविल थर्ड सेमेस्टर के हैं। पहला सब्जेक्ट आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आपका। और दूसरा बात करें कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये आपका थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये भी अगर डिप्लोमा लेवल की बात करें तो न्यूमेरिकल्स बहुत कम आते हैं, थियरी ही आते हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की बात करें तो पहले इसका नाम जो था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था, सोम था, इसका नाम बदल करके हो गया स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। चीज़ें वही हैं, यानी चैप्टर वगैरह वही है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, तो इसको पहले हम लोग सोम नाम से जानते थे। अगला आपका है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है अगला सब्जेक्ट है बिल्डिंग ड्राइंग। तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट वैसे है। तो यहाँ पर और अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट जनरली बच्चे जो है कोचिंग करते हैं, यानी कौन किसी सब्जेक्ट की कोचिंग करते हैं। अगर कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती तो, अगर कॉलेज में पढ़ाई होती तो किसी सब्जेक्ट की कोचिंग करने का सकता नहीं पड़ेगी अगर अच्छी पढ़ाई होती तो। लेकिन अगर हम लोग बात करें न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की तो यहाँ पर जनरली बच्चे हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन की कोचिंग करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी है, थोड़ा सेल्फ समझने में जो है दिक्कत होती है। इसके अलावा जो कोचिंग चलते हैं बच्चे बिल्डिंग ड्राइंग का करते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग का, क्योंकि ड्राइंग जनरली कॉलेजों में बहुत कम पढ़ाया जाता है तो सेल्फ से हो नहीं पाता, तो इसकी भी कोचिंग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की भी कोचिंग करते हैं। तो ये सारे जो है सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अलावा सोम का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, हाइड्रोलिक्स का, हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का, इसका तो सारे इस बच्चे लगभग आपकी कोचिंग ही करते हो, बिल्डिंग ड्राइंग का भी। इसके अलावा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी ये और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको बच्चे सेल्फ से कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल थर्ड सेमेस्टर का जो पॉलिटेक्निक पाठशाला पे चलेगा, हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन चलेगा, स्ट्रक्चरल मशीन चलेगा और हो सकता है तो बिल्डिंग ड्राइंग का भी क्लास आपका चले चैनल पर। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं किस सब्जेक्ट का कितना पीरियड होता है वन वीक में और कितना मार्क होता है पूर्णांक में। तो अगर हम लोग बात करें हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का, टोटल 6 लेक्चर है, 2 प्रैक्टिकल है, तो टोटल हो गया 8 आपका। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका 6 लेक्चर है, 2 प्रैक्टिकल इसका भी है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का 3 लेक्चर है और 2 प्रैक्टिकल है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का 6 लेक्चर है और 2 प्रैक्टिकल है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का 6 लेक्चर है और 3 प्रैक्टिकल है। और बिल्डिंग ड्राइंग का जो है आपका यहाँ पर बनाने के लिए केवल होता है, यहाँ पर बनाने के लिए होता है, तो यहाँ पर इसका 8 प्रैक्टिकल है। तो अगर हम लोग बात करें इंटरनल एक्सटर्नल की बात करें कि इवेल्यूएशन कैसे होता है, इवेल्यूएशन स्कीम कैसे होता है, तो अगर हम लोग हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक मशीन की बात करें तो 20 नंबर थियरी हो गया, 10 नंबर प्रैक्टिकल हो गया, टोटल हो गया आपका 30, टोटल आपका हो गया 30। और यहाँ पे एक्सटर्नल में यानी बोर्ड एग्जाम में 50 का थियरी हो गया और 20 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, टोटल हो गया यहाँ पे 70, तो यहाँ पे 100 नंबर आपका हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। ऐसे ही आपका सेम कंक्रीट टेक्नोलॉजी का भी वही स्कीम है 100 नंबर, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का भी वैसे ही 100 नंबर आपका है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का भी 100 नंबर आपका वैसे है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी, इसका भी वैसे ही 100 नंबर सेम है। और आपका बिल्डिंग ड्राइंग का जो है इसमें ड्राइंग बनाने के लिए होता है, तो इंटरनल असेसमेंट में इसका 40 नंबर प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसका 40 नंबर प्रैक्टिकल है और यहाँ पे अगर हम लोग थियरी एग्ज़ाम की बात करें तो इसका थियरी एग्ज़ाम जो होता है 60 नंबर का होता है, यानी जो एक्सटर्नल पेपर होता है बोर्ड एग्जाम में 60 नंबर का होता है, टोटल मिला करके 100 हो गया। और स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ जिसमें आपका सेशनल और डिसिप्लिन वगैरह होता है, ये 30 नंबर का हो गया, टोटल पूर्णांक जो हो गया आपका सिविल थर्ड सेमेस्टर का 630 नंबर हो गया। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट सेमेस्टर जैसे स्टार्ट होता है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा कि आप लोगों का 75% से ऊपर आसानी से जो है आ जाए। और जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं उस पर फोकस ज़्यादा रहे, क्योंकि कंपटीशन में आगे चल करके उन्हीं को समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि आरसीटी और आपका जो आप लोग 5वें 6वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे, आरसीटी और स्टील सिविल के मेन सब्जेक्ट माने जाते हैं न्यूमेरिकल, वो भी आपकी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पर ही डिपेंडेंट हैं। तो इस नाते इन सारे सब्जेक्ट को जो है अच्छे से आप लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा। थैंक यू दोस्तों।